हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है अरबाज शाह और आप देख रहे हैं अरबाज शाह फिटनेस चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं होम वर्कआउट शोल्डर की बताने वाला हूं और करने वाला हूं, और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे आप लोगों को करनी है। तो घर पर ही भी कर सकते हैं आप, अगर आपके घर में डंबल हैं तो डंबल का यूज़ कर सकते हैं, वरना ईंटों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे शोल्डरों का पंप देख सकते हैं आप अब कितना है, और जब वर्कआउट करने के बाद में मैं आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगा कि शोल्डरों में कितना पंप आ चुका होगा। तो देख लिया आपने, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कल मैंने चेस्ट वर्कआउट की होम वर्कआउट डाली है, वो भी देख सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी वो भी, तो देख सकते हैं उसको भी अगर नहीं देखिए तो। दोस्तों, सबसे पहले हमें वार्म अप करना है। वार्म अप कम से कम हमें 20 से 30 सेकंड का करना है ताकि आपके शोल्डरों में दर्द ना हो। गाइस, एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, वरना कहीं भी अंग में दर्द हो सकता है, चाहे आप चेस्ट वर्कआउट कर रहे हो या शोल्डर या बैक, तो वार्म अप ज़रूर करें। तो ये है मेरा वार्म अप सेट था, तो इसको मैं कर रहा हूँ। कम से कम 20 से 30 सेकंड तक आपको वार्म अप करना है। तो दोस्तों, चलिए अब हम सेट लगाते हैं। हमारा सेट रहेगा पहला वन आर्म स्टैंडिंग डंबल प्रेस। तो दोस्तों, इसको हमें इस तरह से लगाना है। एक ईंट ले लेनी है, और चाहे आप बेंच पे बैठ जाएं या खड़े होकर के लगाएं, तो आपका हाथ, ये जो दिखाई दे रही है आपको ईंट, और आपका सर इसके लेवल में आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। तो इस तरह से आपको पहला सेट लेना है। तो आपको तीन सेट लगाने हैं इसके, कम से कम रेपिटेशन आपको 15 से 20 तक रखने हैं हर सेट में। ऐसा नहीं है कि आप कम करें, तो हम ईंट का सहारा ले रहे हैं। तो आप जैसे कि 15 लगा रहे हैं तो 20 लगाएं दूसरे सेट में, फिर 25 लगाएं, ऐसे ही हर सेट लेने हैं। मैं 6 वर्कआउट बताने वाला हूं, इस तरह से ही लेने हैं। तो देख सकते हैं शोल्डरों पर असर आपको दिख रहा होगा ईंट से ही। तो एक हाथ से करने के बाद दूसरे हाथ से करना है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी वर्कआउट की ओर। गाइस, अगर आपके पास वेट है और रोड भी है तो आप इस सेट को रोड से भी ले सकते हैं, वरना रोड नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप ईंट से भी ले सकते हैं। ईंटों को इस तरह से पकड़नी है, आपके जो हाथ हैं वो शोल्डर की सीध में रहने चाहिए, इतनी दूराई से आपको ईंट लेनी है और इस सेट को लगाना। इस सेट का नाम है बार्बर फ्रंट रेजेस। तो दोस्तों, इस तरह से इसको लेना है, तीन सेट लगाने, 15 सेट लगा रहे हैं पहले सेट में, तो दूसरे में लगाएं 20 और तीसरे में 25। तो इस तरह से इसको लेना। तो अब देखते हैं, अब चलते हैं दूसरी वर्कआउट की ओर। दोस्तों, अब आ गए हम तीसरी वर्कआउट की ओर। तो इस हमारा जो सेट का नाम है वो है डंबल लेटरल रेजेस। तो दोस्तों, इसको लगाना है बिल्कुल हाथों को सीधे करके, और ईंटों को इस तरह पकड़नी है जैसे मैंने पकड़ रखी है, और अच्छे से लगाएं तो आपको एंड में फ़र्क दिख जाएगा कि हमारा वर्कआउट अच्छा लगा या नहीं लगा, तो आपको एंड में दिखेगा। तो अच्छे से नहीं लगाएंगे तो आपको पंप शोल्डरों में नहीं मिल पाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों अपनी चौथी वर्कआउट की ओर, कि हमारी चौथी वर्कआउट क्या है। दोस्तों, आ गए हम अपनी फोर वर्कआउट पर। तो इस वर्कआउट का नाम है दोस्तों अपराइट रोज। दोस्तों, ये इसका सेट का नाम है। तो ये हम रोड से भी ले सकते हैं वेट लटका करके। अगर हम ईंट का उपयोग कर रहे हैं तो हमें इस तरह से लेना है, आपको ईंटें बिल्कुल सीधी लेकर के जानी है, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ उसकी सीध में लेकर के जानी है, यानी कि आप अपने टांग पे से सीध में ले रहे हैं तो ऊपर तक बिल्कुल सीधी जाए। दोस्तों, मैं आपको जो भी सेट बताऊंगा अपने चैनल पर वो एकदम असरदार बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि उल्टे सीधे सेट बता दिए। इनसे आपको जिम जैसा असर मिलेगा, तो आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए, चाहे आप अपनी छत पे कीजिए, चाहे आप अपने कमरे में कहीं पर भी कर सकते हैं, खेत वगैरह में कहीं भी। दोस्तों, अब आगे हम पांचवी वर्कआउट पर। इस वर्कआउट का नाम है बेंड ओवर लेटरल रेजेस। तो दोस्तों, इसको आप थोड़ा बेंड होकर यानी झुककर इसको परफॉर्म करें, बहुत अच्छा सा रिजल्ट आपको मिलेगा,
और बहुत अच्छे से ऐसे ही करें, मुझे फॉलो करते रहें अगर आप कर रहे हैं तो, या आप याद कर लें, आप चाहे कल करें चाहे परसों करें, कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी वीडियो मेरी वर्कआउट वगैरह की तो देख सकें। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द सप्लीमेंट विला से एक प्रोडक्ट मंगाऊंगा, यानी प्रोटीन पावर स्टार एक्स पावर प्रो। तो दोस्तों उससे मसल्स आएंगी, तो मैं आपको व्लॉग टाइप में दिखाने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आगे हैं हम छठी वर्कआउट पर। दोस्तों अभी हमने पीछे वर्कआउट की थी सीधे हाथ करके, लेकिन हमें सीधे हाथ करके नहीं लगानी, ये उसके जैसी है कुछ, और इसको हम हाथ बेंड करके लगाएंगे और आपकी जो कोहनी है वो कान तक जाएंगी और आपके हाथ यानी कि आपकी ईंटें जो हैं वो नीचे रहेंगी थोड़ी कोहनियों से। तो दोस्तों इस वर्कआउट का हमारा नाम है नोट्रल्स लेटरल रेज, ऐसे ही आराम आराम से इस सेट को लेना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारी 6 वर्कआउट, तो हमारी वर्कआउट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारा पंप कैसा आ चुका है शोल्डरों में। तो आप देख भी रहे हैं पहले से कुछ फ़र्क दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, अपना सेट को कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों शोल्डरों में कितना अच्छा फ़र्क दिख रहा है, पहले आपने देखा ही मैंने दिखाया, तो आप देख सकते हैं फ़र्क देख सकते हैं। तो ये तो अभी का मैंने एक बार किया है, और आप 20 से 21 दिन तक करेंगे तो बहुत अच्छा फ़र्क दिखेगा। तो मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ सही से, आप कीजिए बहुत अच्छा फ़र्क मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे सेट में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों मैंने शोल्डर की आपको फुल वर्कआउट दिखा दी है, वो भी होम वर्कआउट, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, वो भी ईंट से, बहुत अच्छा फ़र्क, और पंप लेकर आ सकते हैं। और अपनी डाइट को मेंटेन अच्छी रखें, अच्छे से खाएं, और अपने शोल्डरों को इंक्रीज देख सकते हैं आप 20 से 21 दिन में। तो दोस्तों इसको फॉलो कीजिए, चेस्ट वर्कआउट भी डाली मैंने उसको भी देखें। दोस्तों यूट्यूब चैनल को मेरे अरबादशाह फिटनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करें और मैं और अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ। तो दोस्तों बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।